हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। तो यहाँ भाई का जो परछान वाला क्लिप था, घर से निकलने वाला, वो वाली वीडियो मेरे से बाई मिस्टेक पता नहीं कैसे, बहुत ही मूड अभी इस टाइम पे ऑफ है मेरा। जब भी वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, पता नहीं कैसे वो वीडियो मेरी 8-9 मिनट की वीडियो डिलीट हो गई मेरे से, क्योंकि मेरा फ़ोन में स्पेस नहीं बता रहा था और मैंने कुछ डिलीट करने के चक्कर में उस एडिटेड वीडियो को भी डिलीट कर दिया, और जो पहले का अलग अलग क्लिप में पार्ट था वो तो पहले ही मैंने डिलीट कर दिया था। तो मूड पूरा तरह से ऑफ हो गया है। तो क्या कर सकते हैं, अब तो वीडियो डिलीट हो गई और रिकवर हो भी नहीं पाएगी। रिकवर वाला मैंने फाइल से डिलीट कर दी है, अब कैसे हो गया नहीं समझ आ रहा। मुझे बड़ा ही रोना आ रहा था, तो क्या करें, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए उस वीडियो को। अब उसके लिए रो धो के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ बारात आ गए थे हम लोग, और मेन बात ना कि वहाँ पे उस वीडियो में मुझे ये बुरा लग रहा था ना कि मैंने खुद से तैयार होके, मतलब तैयार होके मैं वीडियो स्टार्ट करी थी, और वीडियो में बाकी सब भाई के शादी का ही दिखाया था, लेकिन स्टार्ट मैंने खुद करा था और शादी वाले दिन का तैयार होके शाम को। तो वो बहुत ही खल रहा है मुझे, तो क्या कर सकते हैं, चलो छोड़िए, जाने देते हैं। और यहाँ एंट्री हो गई थी, यहाँ सैनिटाइज़र की व्यवस्था थी पूरी अच्छी तरह से, और काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने फेस वाइज किसी का रिकॉर्डिंग नहीं किया हुआ है, बिकॉज कि बाद में कोई बोले कि हमको बुरा लगा वीडियो डाला आपने ये वो दुनिया भर का, तो इसके लिए मैं बहुत ही वो रहती हूँ, क्योंकि गांव में ना लोग इतने वो नहीं हैं, तुरंत ऑब्जेक्शन करते हैं, उनको बुरा लग जाता है भले वो अपने लाइफ में कुछ भी करे, लेकिन जब बात वीडियो की आती है ना तो उनको बुरा लग जाता है। वैसे इसके लिए मैं बहुत ही, मतलब कि अलर्ट बोल सकते हैं, ऐसे होके वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उचित नहीं लगता फिर बाद में कोई बोले तो। और यहाँ पे जो लड़की के भाई लोग थे वो भाई को लेके और स्टेज पे जा चुके थे, और वहाँ पे द्वार पूजा जो होता है वो स्टार्ट होने वाला था, तो यहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ था। मैंने थोड़ा सा स्टेज का भी आप लोगों को दिखाया, वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी वीडियो का दिखाऊंगी, जितना टाइम मैंने बारात में रहा है उस टाइम का पूरा वीडियो दिखाऊँगी। तो आप लोग जरूर से कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा है, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हम सारे गर्ल्स लोग बैठे थे, और आप मुझे और मेरी सिस्टर को तो पहचान रहे होंगे, बाकी मैं किसी को इंट्रो यहाँ पे नहीं दूंगी, क्या क्या पता बाद में कोई वीडियो देखे इनमें से और फिर बोले कि मेरा क्यों बताया, मेरा क्यों बताया, इसकी वजह से मैं किसी का इंट्रो नहीं दूंगी। तो यहाँ बस लड़कियाँ बैठी, मुझे बड़ा डर लगता है, मतलब किसी का वीडियो बनाना ना बहुत ही डर लगता है, बाद में लोग, मेरे साथ ऐसा हो गया है ना कि बाद में लोग वीडियो बोलता है डिलीट कर दो, तो हर्ट होता है, लेकिन वीडियो डिलीट कर नहीं पाते, बाद में लोग कह देते हैं कुछ ना कुछ, तो बुरा लग जाता है। तो इसके लिए मैं किसी का इंट्रो नहीं दे रही हूँ कि कौन क्या है, लेकिन हाँ मैं और मेरी सिस्टर को तो आप पहचान रहे हो। यहाँ पे खाने पीने के पीछे व्यवस्था हो रखी थी और सब लोग खा रहे थे, बहुत ही कम ही लोग थे, मतलब कि वहाँ पे ना जहाँ पे बारात रुकी थी वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है, और वहाँ पे चेकिंग भी हो रही थी, तो इसकी वजह से काफ़ी भीड़ नहीं थी।
द्वार पूजा के बाद भाई स्टेज पे बैठ गए थे जयमाल के लिए। तो यहाँ पे भाभी जी हैं, उनको लाया जा रहा है। और यहाँ पे अब जयमाल होगा, उसके बाद शादी होगा। और जयमाल के टाइम में भी सॉन्ग वॉन्ग सारा बंद हो गया था, क्योंकि टाइम 10 बज रहा था। और यहाँ पे मतलब कि ये था ना कि 9 शायद कि 10 बजे के बाद साउंड नहीं चलाना है, मतलब कि गाने नहीं चलाने हैं। तो सब कुछ बंद था, सिर्फ हम ही लोग की चहलकदमी की आवाज़ थी। तो मैंने सोचा क्या डालें, गाना वाना होता तो थोड़ा डालते भी। तो यहाँ पे अब भाभी को ले जाया जा रहा था, उनके भाई लोग चादर तान तान के ले जा रहे थे, जैसा कि आप लोग के वहाँ भी होता है, हमारे वहाँ भी होता है, ये सेम प्रोसेस होता है सारे जयमाल में। तो यहाँ भाई को हम लोग बोल रहे थे ना कि थोड़ा नीचे आके हाथ दे दो, तो भाई मतलब कि एक सीढ़ी ऊपर ही था, तो हम लोगों ने बोला था एक सीढ़ी नीचे आ गए। और यहाँ पे अब जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये वीडियो मतलब यहीं तक का है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, 15-20 मिनट की वीडियो हो जाती, तो आप लोग देख नहीं पाते, बोर हो जाते हो सकता था। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप लोग आगे के पार्ट में देखोगे जयमाल का सारा कुछ। और इधर इस वीडियो में बस भाई स्टेज पर जयमाल के लिए जा रहा है भाभी को लेके, और इसके बाद से जयमाल होगा। तो भैया और भाभी की जोड़ी तो कमाल की थी, क्योंकि भैया का फेस जैसे है ना, वैसे भाभी का भी फेस है सेम टू सेम, लेकिन भाभी थोड़ी पतली दुबली हैं, आप लोग को आगे वीडियो में दिखेगा। और भाई का भाभी का दोनों का सेम सेम था, अच्छी जोड़ी लगी। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा जोड़ी कमेंट के थ्रू। तो चलिए वीडियो इंजॉय करते हैं म्यूजिक के थ्रू।